guys, welcome back. This is your friend Abhishek and you're watching the Daily Focus. Guys, मैं एक quick video बना रहा हूँ. अभी मैं airport पे हूँ तो मैंने सोचा कि एक quick video बनाई जाए. इसमें मैं आपको क्या करूँगा? इसमें मैं आपको tip दूँगा, pro tip. ये tip मैंने अभी note करी है. मैंने सोचा था कि आजकल gaining season है तो लोग सोच रहे हैं कि gain कैसे करें. तो उसके लिए मेरा भाई ने कैमरा पकड़ा है, ऋषभ उसका नाम. He is my cameraman. उसने तो मैं सोच रहा था कि एक प्रो टिप दी जाए आपको, या जिससे आपको गेनिंग में थोड़ी हेल्प मिले. गाइज, ये सारे पांच टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगा. ये पांच टिप्स वो टिप्स हैं जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी है गेन करने में, मसल गेन करने में. नंबर वन, लेस रैप मोर वेट. लेस रैप मोर वेट का मतलब मेरा ये है कि इसमें आपको रेपुटेशन कम निकालनी है और इसमें आपको वेट अपने इंक्रीज करने हैं हर सेट के साथ. इसमें आपको हैवी वेट मारने हैं और रेपुटेशन आपको 8 to 10 के बीच में. ज़्यादा रेपुटेशन से साइज इंक्रीज बहुत कम होता है, क्वालिटी अच्छी आती है, कटिंग अच्छी आती है. लेकिन अगर आपको साइज इंक्रीज करना है तो आपको उसके लिए लेस वेट यूज़ करना, मोर वेट यूज़ करना पड़ेगा, लेस रेपुटेशन. सो नंबर वन इज लेस वेयर मोर वेट. नंबर टू, ईट अलॉट. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या खाएं क्या खाएं. खाना, डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट डाइट के साथ आपको खाना ज़्यादा पड़ेगा. आपको दिन में कम से कम 6 से 7 मील लेने पड़ेंगे. मॉर्निंग से स्टार्ट करके आपको नाइट तक मील लेने पड़ेंगे. उसमें आपके कार्ब्स इनटेक और प्रोटीन इनटेक ज़्यादा होगी. बाकी आपके फैट, जितने भी अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैट जो भी हैं गाइस, वो आपको कम रखने पड़ेंगे. आप फैट पीनट से ले सकते हैं, आलमंड से ले सकते हैं, कैश्यू से ले सकते हैं. लेकिन जो ऑयल है, ऑलिव ऑयल यूज़ करें, गंगा ऑयल यूज़ ना करें. सो नंबर टू इज़ ईट अलॉट, 6-7 मील्स अ डे. नंबर थ्री, प्रोटीन शेक. प्रोटीन शेक से मेरा ये मतलब है पोस्ट वर्कआउट आप प्रोटीन शेक लेते हैं. आप मॉर्निंग प्रोटीन शेक आपको लेना है. मॉर्निंग प्रोटीन शेक में क्या करना है, आपने जो मैं यूज़ करता था, एक स्कूप उठते के साथ ही एक स्कूप प्रोटीन. उसके अंदर आपको दो बनाना ऐड करने हैं, थोड़े से पीनट ऐड करने हैं, एक स्कूप आइसक्रीम और थोड़े से ओट्स, और उसके साथ आप एक चम्मच बॉर्नविट ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं. इसका एक शेक ग्राइंड करके आपको मॉर्निंग अपना ब्रेकफास्ट के साथ इसका एक शेक लेना है. सो नंबर थ्री इज़ मॉर्निंग प्रोटीन शेक. नंबर फोर, प्रोटीन स्टैक. प्रोटीन स्टैक में गाइस आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका अच्छे अच्छे प्रोटीन, जैसे कि आप प्रोटीन स्टैक में ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं स्टैक में, उसके साथ प्रोटीन ले सकते हैं, आर्जिनाइन ले सकते हैं, और आर्जिनाइन के साथ आप ग्लूटामिन भी ले सकते हैं. प्रोटीन, मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोस्टार एंड नाइट्रोटेक. ये मेरे पर्सनल फेवरेट है, मैं अभी फिलहाल नाइट्रोटेक यूज़ कर रहा हूँ. इसके साथ आप प्रोटीन ले सकते हैं, प्रोटीन आप कोई भी अच्छे से ब्रांड का ले सकते हैं. ऑन का बहुत अच्छा है, एमपी का बहुत अच्छा है. जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ऑन है, मसल मेस का भी काफ़ी अच्छा है. थ्री प्योर उसका बहुत अच्छा है. नंबर थ्री, आर्जिनाइन क्या करता है, आर्जिनाइन आपकी ब्लड वेसल्स को ब्रॉड कर देता है. जिससे आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, उससे आपकी न्यूट्रिएंट की सप्लाई जो होती है मसल्स में वो ज़्यादा होती है, उससे आपकी मसल ग्रोथ बहुत अच्छी है. नंबर थ्री इज़ आर्जिनाइन. नंबर फोर, मैं क्या करता था गाइस, पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन शेक लेने के 1.5 आवर और 2 आवर बाद एक पोटैटो शेक लेता था. पोटैटो शेक में क्या होता है, 3 बॉइल्ड पोटैटो लीजिए. उसके अंदर आप 2 कटोरी, इतनी छोटी जो कटोरी होती है नॉर्मल घर की कटोरी, उसमें कर्ड डालिए. पोटैटो कर्ड को एक ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लो. ब्लेंड करके जो उसका शेक रेडी होगा वो पियो, फुल ऑफ कार्ब्स होता है, उससे आपको गेनिंग में बहुत हेल्प मिलेगी. ये मेरे को एक मेरे पुराने बहुत पुराने गुरुजी ने टिप दी थी, इससे मेरे वेट गेनिंग में और मसल गेनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. सो नंबर फोर इज स्टैक. मैंने आपको स्टैक बता दिया आप कैसे यूज़ कर सकते हैं. प्रोटीन, क्रिएटिन, आर्जिनिन, ग्लूटामिन. ग्लूटामिन गाइस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सच कोई ये नहीं है कि आपको कोई किसी अच्छे ब्रांड का ही यूज़ करना है. ग्लूटामिन सारे से ही होता है, मसल रिकवरी करता है, आपको मेन उसको मोटिव भी होता है. अगर आप ग्लूटामिन नहीं यूज़ कर सकते तो उसके साथ आप या तो ग्लूटामिन के रिप्लेसमेंट में आप जिंको बीटा आती है, आप जिंको बीटा ही यूज़ कर सकते हैं. जिंको बीटा का पत्ता आता है ऑलमोस्ट 45 or 50 रुपीज़ का, वो आपके 10-11 दिन में चल जाएगा. आपको एक टैबलेट लेनी है सोने से पहले. नंबर फाइव इज़ रेस्ट. रेस्ट में गाइस ये है, आपको दिन की कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है. आप ये नींद लेंगे तभी आपकी रात को मसल रिपेयर होंगे. उस मसल रिपेयरमेंट की परफॉर्मेंस को थोड़ा बढ़ाने के लिए, प्रोसेस को थोड़ा बढ़ाने के लिए आप या तो ZMA ले सकते हैं. ZMA भी जिंक मैग्नीशियम होता है गाइस, और ZMA ले सकते हैं. ZMA की जगह आप नहीं तो जिंको बीटा, जैसे मैंने आपको बताया, ग्लूटामिन या जिंको बीटा ले सकते हैं. जिंको बीटा आपको 40-45-50 रुपीज़ तक की आ जाएगी, और उसमें आपकी ऑलमोस्ट 15-20 डेज लास्ट करेगी. और बस इतना ही, ये कुछ टिप्स थी मसल गेन करने के लिए. अगर आपको ऐसे ही और टिप्स चाहिए कटिंग के लिए, मसल गेन का मैंने आपको बता दिया, फैट लॉस के लिए, तो आप ड्रॉप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं. सो अंटिल वी मीट अगेन.